नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियदर्शनी सिंह और आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज। आप सबको ही मालूम है कि हमारे खबरों के पिटारों में से हम कुछ ना कुछ चटपटी खबरें लेते आते हैं आपके लिए। इस बार भी मैं आपके लिए एक चटपटी खबर लेके आई हूं, मजेदार खबर लेके आई हूं। खबर ये है कि आप सबको ही मालूम है कि प्रधानमंत्री का मैं भी चौकीदार कैंपेन बड़े जोर शोर से चल रहा है और ट्विटर में उसके मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री ने अपना नाम भी उसमें चेंज करके चौकीदार नरेंद्र मोदी लिख दिया। उसकी देखा देखी बहुत सारे बीजेपी के नेताओं ने भी अपना नाम चेंज करके चौकीदार स्मृति ईरानी, चौकीदार विजय गोयल, काफी सारे नेताओं ने अपना नाम ट्विटर में चौकीदार आगे लगा लिया। और इसमें एमजे अकबर भी पीछे नहीं रहे। अरे वो एमजे अकबर मीटू वाले, हाँ जी, उन्होंने भी, एमजे अकबर ने भी अपना नाम के आगे चौकीदार एमजे अकबर लिखा। इस पे रेणुका शाहने ने ट्वीट करके उनको कहा कि अगर चौकीदार एमजे अकबर हैं तो देश की सारी लड़कियों को भाग जाना चाहिए। खैर, ये तो रही मजाक की बात और तंज की बात। अब आते हैं हमारे गुजरात के नेता जिन्होंने अभी अभी कांग्रेस ज्वाइन की है, हार्दिक पटेल पे। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल में अपना नाम चेंज करके बदल कर लिख दिया है बेरोजगार हार्दिक पटेल। अब एक नया सिस्टम शायद बना होगा भैया, नौकरी मांगने के लिए लोग ट्विटर में भी लिखते हैं बेरोजगार हार्दिक पटेल या बेरोजगार कुछ भी। ये एक शायद नया ट्रेंड चलाना चाहते हो हार्दिक पटेल। लेकिन हार्दिक पटेल अपने इसी कार्यक्रम की वजह से फंस गए हैं। अब फंसे कैसे हैं कि हार्दिक पटेल ने लिख तो दिया बेरोजगार हार्दिक पटेल, लेकिन हार्दिक भैया को ये बात कौन समझाए कि पहली बात तो ट्विटर आपको नौकरी नहीं दे सकता। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं जहां पे आप अपना रिज्यूम दे सकते हैं और जहां तक हमारी जानकारी जाती है हार्दिक जी अंडर ग्रेजुएट हैं, क्योंकि 21 साल की उम्र में तो उन्होंने नेतागिरी शुरू कर दी थी, तो नेतागिरी से फुर्सत मिलती तब तो अपनी ग्रेजुएशन करते हैं ना। तो अब अंडर ग्रेजुएट के लिए आप क्या नौकरी की उम्मीद कर सकते हैं। मैं तो हार्दिक पटेल को यही सलाह दूंगी कि हार्दिक जी आप अपनी स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण कर लीजिए, उसके बाद नौकरी मांगिए तो समझ में भी आता है। ऐसे तो आप अपने आप को बेरोजगार बोल के अपनी पार्टी की भी किरकिरी कर रहे हैं और अपनी तो खैर किरकिरी कर ही रहे हैं। जवानी में अगर पढ़ाई कर ली होती आपने और नेतागिरी में नहीं अपना समय व्यतीत किया होता तो शायद आपके पास भी कोई अच्छी नौकरी होती। खैर, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करिएगा, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और ये लाल बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।